चलिए तो आज हम हैं कैंट बनारस में। अगर बनारस को देखा जाए तो यहीं से लोग जो है कि काफ़ी इधर उधर के जितने भी क्षेत्र हैं लोग यहीं पर जो है कि आते हैं, यहीं से गाड़ी पकड़ते हैं, अपना लखनऊ मुंबई पटना कहीं भी जाना होता है तो यहाँ से लोग जो है कि गुजरते हैं। तो आइए हम लोग कुछ हमारे साथ और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करें सरकार के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि रोज़गार वगैरह और सरकार जो कि विकास की है कि नहीं। तो आइए भैया, आपका नाम क्या भैया? कृष्ण बिहारी तिवारी पड़ेगा। कहाँ से हैं आप? रहने वाले मऊ के हैं। मऊ, तो आप मतलब क्या करते हैं? देखिए, यहाँ मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे और लॉकडाउन लगने के कारण हम लोग इस समय घर पे ही रह रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं किए। सरकार को इस पे चाहिए, मान लीजिए हम लोगों का जैसे रूम था, रूम का जैसे किराया हो गया 8 महीने 7 महीने का किराया हो गया, अब उसको देना है। मकान मालिक फ़ोन करते हैं, आइए इसको किराया दीजिए, नहीं अपना सामान हटाइए ले जाइए, तो इस तरह तमाम चीज़ें हैं। इसके मिला करके हम लोगों को आज ही हमें आना पड़ा मऊ से, आज ही हमें आना पड़ा आकर के। अब वहाँ जाना है, बस मान लीजिए बस नहीं चल रहे हैं, थोड़ा बहुत बस चल रहे हैं उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ है कि उसमें आने का इच्छा नहीं करता है किसी का। और रह गया सवाल बेरोजगारी तमाम तरह की हो गई है, मान लीजिए पहले कभी हम लोग अपना कमाते थे, चार लोग और भी हम लोगों से कमाते थे, आज के दौर में न हम ही कमा रहे हैं न चार लोग और हमारे कमा रहे हैं, सारे लोग घर पे ही बैठे हैं। सरकार ठीक है, उसने लॉकडाउन लगाया, कोई बात नहीं है, लॉकडाउन लगाकर हमारे लिए आपके लिए सारे लोगों के लिए लगाया, लेकिन उसको खैर ये तो सोचना चाहिए कि जो मध्यम परिवार के जो लोग हैं उन्हें कैसे खाना मिलेगा, उन्हें कैसे खाना है। कहने के लिए तो तमाम प्रकार की कहती है कि ठीक है उन्हें राशन भेज रहे हैं, उनको 1,000 रुपये भेज रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं आया। कहने के लिए तो बोलती है कि ठीक है आ रहा है, लेकिन कुछ भी आया नहीं। एक बात हम बताएं, अगर गांव वगैरह में जो राशन इस टाइम जो है फ्री में आप लोग जो कि आप लोग को गांव में राशन वगैरह मिल रहा है कि नहीं? नहीं, फ्री में देखिए राशन वगैरह नहीं मिला, एक बार तो दिया उसके बाद नहीं दिया। देखिए गैस का भी हुआ था, गैस पहले 800 हम लोग 70 रुपये का भराते थे, 900 रुपये का भराते थे, जब सरकार को देना पड़ा तो उसने क्या किया, एक बार तो ठीक है एक बार उन्होंने 800 रुपये दिया, फिर दोबारा जब देना पड़ा उन्होंने कहा 3 महीने तक फ्री हम भेजेंगे, लेकिन 3 महीने तक क्या दोबारा उन्होंने भेजा तो 500 रुपये कर दिया, जब सरकार को देना पड़ा उसने 500 रुपये कर दिया, 500 रुपये भेजा, तीसरा वाली किस्त आया ही नहीं। उसके बाद तो फिर मान लीजिए 800 रुपये हो गए, 870 रुपये हो गए, आप सारे लोग 870 रुपये भरा रहे हैं, तो इस पर सरकार को देखिए 870 रुपये हो गया, इस पर सरकार को देखना चाहिए कि अगर जो कोई कमा नहीं रहा है फ्री में गैस। एक तरह से कहे तो जो गैस का महंगाई है उसके ऊपर आप बात ये कर रहे हैं? जी, गैस की तो महंगाई है, मान लीजिए कितने में मिलता था पहले? देखिए पहले भी मिलता था 900 रुपये में, 950 रुपये में मिलता था, ठीक है आदमी पहले कमाता था उसको एडजस्ट कर लेता था, आज के डेट में वो कमा नहीं रहा है तो उसको कम करना चाहिए ना। इस टाइम चूँकि लॉकडाउन भी है, शनिवार रविवार बंदी भी है, तो मान लीजिए शनिवार रविवार उन्होंने बंद कर दिया, शनिवार रविवार उन्होंने बंद कर दिया तो बताइए पूरा मार्केट बंद कर दिया उन्होंने, बताइए किराना का दुकान तक उन्होंने बंद कर दिया शनिवार रविवार, किसी को ज़रूरतमंद लोग ज़रूरत पड़े तो कहाँ से लेगा ये बताइए, सारे लोगों के पास तो 1,000 2,000 4,000 रखा नहीं है कि 2 दिन पहले ही खरीद करके रख लेगा। हाँ, उसके लिए तो सोचना चाहिए ना जो मध्यम परिवार के लोग हैं। देखिए गरीबों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है कि नहीं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर रही है और बेरोज़गारी इससे बढ़ गया है और युवाओं के लिए आज तक कोई रोज़गार का अवसर न मिला और न मिलेगा इसमें। ये रोज़गार की अगर यहीं पर बात करें तो जो कि काफ़ी सरकार आई है तो वादे करके मतलब कही कि इतना रोज़गार मिलेगा उतना रोज़गार मिलेगा, तो कहीं जो है कि रोज़गार आपको देखने को मिला है कि रोज़गार किसी को मिला है? देखिए इसके बारे में देखिए सरकार तो बहुत सी कंपनियां GST लगा कर ये करके सब बंद कर दी है, लेकिन उसको ठीक है उसने GST लगाया कंपनी उसने बंद किया, लेकिन आखिर ये तो सोचना चाहिए कि जो रोज़गार जो हम कम कर रहे हैं कुछ बढ़ा देने के बाद हम उसको बंद करें, उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करें, लेकिन नहीं वो रोज़गार तो दी नहीं, जो रोज़गार था उसी को बंद कर दी, उसी रोज़गार को छीन ली, क्या कोई करेगा। अच्छा, यहाँ पर रोज़गार भी छीना गया। तो ये जो है कि आपका नाम क्या था? कृष्ण बिहारी तिवारी। तो इनका नाम था कृष्ण बिहारी तिवारी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोगों का जो है कि अलग अलग विचार हैं, लोग अपना जो है कि अलग अलग विचार को रखे, सरकार जो है कि रोज़गार मिला या कुछ सुख सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है कि नहीं, ऐसा जो है कि सभी लोगों